में बनाने जा रहा हूँ चॉकलेट बॉल, तो उसके लिए मैंने लिया है 2 packets ऑफ पार्ले जी बिस्किट एंड अभी हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने पार्ले जी बिस्किट का फाइन पाउडर बना लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कोका पाउडर, 2 tablespoons ऑफ कोका पाउडर हमने ऐड कर लिया है एंड अभी हम मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। के बिस्किट मीठे होते हैं इसलिए हम शुगर इसमें ऐड नहीं करेंगे। लगभग 2 tablespoons ऑफ कंडेंस मिल्क हमें ऐड कर लेना है। तो देखिए हमने 2 tablespoons ऑफ कंडेंस मिल्क भी ऐड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके इसका टाइट डो बना लेंगे। मैं कितना अच्छा डो रेडी कर लिया है, अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हमने एक पार्ट ले लिया है, अब हम इसके बॉल बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें बॉल बना लेना है, इस तरीके से। रेडी हो चुके हैं हमारे बॉल्स, अब हम इसको 5 minutes के लिए फ्रीजर में सेट कर लेंगे, डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए मेरी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। कुछ इस तरीके से हमें मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। हमें डबल बॉयलर पे करना है। नीचे एक भगोने में आप पानी डाल लीजिए एंड ऊपर एक भगोना रख लीजिए, वो पानी को टच नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमें चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। इस प्रोसेस में हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। हम गैस ऑफ कर लेंगे एंड इसको नीचे उतार लेंगे। इसमें ऐड करेंगे बॉल्स, हमारे जो बॉल्स भी रेडी हो चुके हैं। देखिए हमने फ्रीजर में से 5 minutes बाद निकाल लिया है, कितने अच्छे दिख रहे हैं बॉल्स। बॉल्स को कुछ इस तरीके से कोटिंग करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। बॉल्स कोट हो चुका है, इस तरह हमें फोक में पकड़ के प्लेट में निकाल लेंगे। तो बटर पेपर पे भी निकाल सकते हो। हम इसको 10 minutes तक फ्रीजर में रख देंगे। आप मेल्टेड चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो। व्हाइट हमारे बॉल्स को 10 minutes तक फ्रीजर में सेट होना रख देंगे। आप चाहे तो मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट भी ऊपर से डाल सकते हो। तो देखिए हमारे बॉल सेट हो चुके हैं, 10 minutes हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। आप इस पर कौन सा भी स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं एंड आप इस पर व्हाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अब हम आपको एक बोल में निकाल के दिखाएंगे। देखिए कितने अच्छी तरीके से सेट हुआ है एंड कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए हमने बॉल्स एक बाउल में निकाली है। आप बच्चे के बर्थडे पे भी बना सकते हैं या बच्चों को खुश करने के लिए भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं एंड आप भी ट्राई कीजिए। तो देखिए ये छोटे वाले मेरे भाई के लिए बनाए हैं, अब हम दोनों टेस्ट करेंगे। ये लॉन्च सो टेस्टी, आप भी ट्राई कीजिए। यम्मी।